मनीषा गुप्ता एस्ट्रोलॉजी। आज आप सभी से चर्चा करने जा रही हूँ 21 जून 21 जून को सूर्य ग्रहण के विषय में। आइए जानते हैं 21 जून को पढ़ने वाला सूर्य ग्रहण 2020 का असर भारत सहित नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, काबू में भी दिखाई देगा। आइए जानते हैं इसे हम विस्तार से। 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन एवं विश्व पर पड़ने वाला प्रभाव कैसा होगा, आइए जानते हैं। दिन रविवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या, सूर्य ग्रहण इंडिया में खंड क्रास के रूप में ही दृश्य होगा। यह ग्रहण गंड योग और मृगशिरा नक्षत्र में होगा। भारत में सूर्य ग्रहण का आरंभ प्रातः 10:13 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। भारत के अतिरिक्त यह खंड क्रास सूर्य ग्रहण विदेश के कुछ क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। भारतवर्ष में ग्रहण का स्पर्श 10:13 प्रातः, ग्रहण का मध्य 11:56 एवं ग्रहण का मोक्ष दोपहर 1:31 में होगा। ग्रहण का सूत्र, सूर्य ग्रहण का सूत्र 12 घंटे पहले लग जाता है। इस सूर्य ग्रहण का सूत्र 20 जून को रात्रि 10:15 से आरंभ हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण ग्रहण के समाप्त होने तक रहेगा। ग्रहण का देश एवं विश्व के ऊपर प्रभाव। ग्रहण के समय 6 ग्रहों का वक्री होना इस बात का संकेत दे रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं यथा समुद्री चक्रवात, तूफान, अत्यधिक वर्षा, महामारी आदि से जन धन की हानि हो सकती है। वर्ष 2020 में मंगल अग्नि तत्व का प्रतीक है और यह जलीय राशि में 5 मास तक रहेगा। इस कारण सामान्य रूप से अत्यधिक वर्षा और विषाणु जनित महामारी के साथ भूकंप, अति वर्षा एवं अग्निकांड का भय बराबर बना रहेगा। संपूर्ण विश्व में असामयिक कलिग्रस्त होने वाले की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। ग्रहण काल में शनि और गुरु का मकर राशि में वक्री होने से पड़ोसी देशों में राजनीतिक उठा पटक से भारत को चिंता बनी रही। मंगल और गुरु इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से देशों में आर्थिक मंदी का असर बना रहेगा, देखने को मिलेगा। चीन की सामरिक गतिविधियां जल, थल और आकाश में बढ़ने से पड़ोसी देशों के मध्य चिंता का कारण बना रहेगा। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण के बाद क्या करें क्या ना करें, आइए जानते हैं। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद किसी पवित्र नदी तथा गंगा, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, कुमकुम इत्यादि में स्नान कर सकते हैं और करना चाहिए। यह संभव ना हो तो तालाब, कुएं या बावड़ी से स्नान में स्नान करें। यदि संभव ना हो तो घर पर रखे हुए तीर्थ जल, गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। ग्रहण के समय हमें शुभ कार्य करना चाहिए। यह शुभ कार्य कल्याण प्रदान करने वाला होता है। ग्रहण के सूतक तथा ग्रहण काल में व्यक्ति को अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्नान, ध्यान, मंत्र, स्तोत्र पाठ, मंत्र सिद्धि, तीर्थ स्नान, हवन, कीर्तन, दान इत्यादि करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के बाधाएं से आदमी दूर होता है एवं सुख की प्राप्ति होती है। कैसा रहेगा सूर्य ग्रहण का सभी राशियों पर प्रभाव, आइए देखते हैं। मेष राशि का राजकीय सम्मान पाने की प्रबल संभावना होगी। वृषभ राशि का आर्थिक परेशानी और व्यापार में नुकसान हो सकता है, संभल कर रहें। मिथुन राशि वालों का किसी अप्रिय घटना दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, सावधानी रखें, सब ठीक होगा।
आइए जानते हैं कर्क राशि शरीर में कहीं चोट लग सकती है। सिंह राशि वालों के लिए दाम्पत्य का सुख मिलेगा परंतु वाणी में मधुरता बनाए रखें। कन्या राशि के लिए आपके लिए शुभ रहेगा, वधु का सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए वाद विवाद से बचे, क्रोध के कारण नुकसान हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आप अचानक किसी परेशानी में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं धनु राशि, दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। पत्नी व पति के लिए कोई एक दूसरे को गिफ्ट दें। मकर राशि वालों के लिए आपके लिए यह ग्रह शुभ फल देने वाला होगा। कुंभ तनाव व मानसिक परेशानी हो सकती है। आइए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए, अनियोजित खर्च से आप परेशान हो सकते हैं। तो ये थे 12 राशियों का हाल सूर्य ग्रहण के बाद क्या क्या दान करें, आइए जानते हैं। ग्रहण समाप्ति होने के बाद स्वर्ण कंबल तेल कपास या मच्छरदानी का दान करना चाहिए। सूतक एवं ग्रहण काल में क्या नहीं करें, आइए जानते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को अपने कल्याण के लिए सूतक एवं ग्रहण काल में ऐसे कार्य हैं जिसे नहीं करना चाहिए। ग्रहण शुभ एवं अशुभ दोनों फल प्रदान करता है। अतः अब आपके ऊपर करता है कि आपने किस फल के अनुरूप कार्य किया है। ग्रहण काल का अशुभ हो जाता है, इस कारण ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूतक से पहले ही यदि सभी खाने में खाने पदार्थ में यथा दूध दही चटनी अचार आदि में कुछ रख दें तो यह भोजन दूषित नहीं होता है और आप पुनः इसको उपयोग में ला सकते हैं। सूतक एवं ग्रहण काल में छल कपट झूठ डींगे हाँकना आदि से परहेज करना चाहिए। ग्रहण काल में मन तथा बुद्धि पर पड़ने वाला कुप्रभाव से बचने की संभावना करें। व्यक्ति को मूर्ति स्पर्श नाखून काटना बाल काटना अथवा कटवाना निद्रा मैथुन आदि कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस काल में रति क्रिया से बचना चाहिए। ग्रहण काल में शरीर मन तथा बुद्धि के मध्य तालमेल बनाए रखना चाहिए। मन माने आचरण करने से मानसिक तथा बौद्धिक विकार के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी क्षय होता है। अतः हमें अवश्य ही ग्रहण काल में मन वचन तथा कर्म से सावधान रहना। इस समय बच्चे वृद्ध गर्भवती महिला एवं रोगी को यथानुकूल खाना अथवा दवा लेने में कोई दोष नहीं होता है ना लगता है। सूतक काल में बालक वृद्ध एवं रोगी को छोड़कर अन्य किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का परहेज करें और सूर्य ग्रहण के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएं। अगर हो सके तो एक दिन पहले कुछ ऐसे खाने की सामग्री जो आप ना बनाएं, जो कि एक या दो दिन आपको रखना पड़े, तो ध्यान रखें इन सारी छोटी से छोटी चीज़ों का और बड़ी से बड़ी चीज़ों का। ये हमारे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोरोना के या कोरोना को लेकर हम सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं अपने घर में रहकर। तो हम चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से अपने अपने घरों में रहें, कोई गैर जरूरी काम के लिए घर से ना निकले और अगर निकलते हैं तो प्रिकॉशंस पूरा रखें। अपने हाथ को हर घंटे अच्छी तरह से वॉश करें और पूरी प्रिकॉशंस रखें, मास्क पहने, सैनिटाइज करें और समय समय पर ध्यान रखें कि आपके कितने मीटर पर कोरोना से संक्रमित कितने पेशेंट हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा।